हरकूबाई साहिब का झूठा दिलासा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कभी कभी दोस्तों झूठा दिलासा भी सच्चा काम कर जाता है। हरकूबाई साहिब जिस तरह अहिल्या को संभालती है, वही है मल्हार सरकार के बाद जो अहिल्या को समझती है और उसको संभालती है और फिर से उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करती है आगे और काम करने की। वही उन्होंने आज भी किया, मगर करने के बाद थोड़ी उदास हो गई खुद भी। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। खंडेराव के जो बिहेव था, उनका जो रिएक्शन था अहिल्या के सामने, क्योंकि वो अहिल्या की तारीफ सुन नहीं पाए, उनको लगा कि मुझे जो है अहिल्या से नीचे का ओहदा दिया गया है, वो उन्होंने अहिल्या पे जाहिर कर दिया। अहिल्या इस बात से दुखी थी क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले ही उसने खंडेराव से वादा लिया था कि मेरी सोच पे कभी प्रश्न चिन्ह मत करना, इतना तो समझो कि मैं सिर्फ आपके लिए ही सब कुछ करती हूँ, अपने प्यार के लिए सब कुछ करती हूँ। मगर जैसे ही सिचुएशन आती है, खंडेराव का जो है दिमाग फिर जाता है और ऐसा ही हुआ। अब अहिल्या इस बात से परेशान और बेचारी टूट गई और अपने शिव शंभू के सामने जाके रोने लगती है, जो हमने देखा। और फिर हरकूबाई साहिब आती हैं और उनको संभालती हैं। यहाँ पे जो अहिल्या कहती है, सोच के सुन के दुख होता है दोस्तों, क्योंकि वो पहली बार मैंने उसको इस तरह के सवाल करते सुना है शिव शंभू से कि मैं तो भला कर रही हूं ना शिव शंभू, शिव जी फिर मुझे क्यों अपने ही दुख देते हैं, क्यों मेरे आगे आगे खड़े हो जाते हैं, मैं कुछ किसी का बुरा तो कर नहीं रही हूं, मैं तो भलाई के रास्ते पे चल रही हूं, तो फिर ऐसा क्यों होता है। तो ये सच में दिल को दुखाने वाली बात है, क्योंकि जब अहिल्या इतनी बार कर चुकी है ये सब, इतनी बार सह चुकी है ये सब, क्योंकि हर बार जब भी कुछ अच्छा करने जाती है खंडेराव गौतमा आ ही जाते हैं आड़े और उनको अलग तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ये अहिल्या भलाई तो कर रही है मगर भलाई में भी इसका अपना स्वार्थ छुपा है। तो ये सब बातें अहिल्या को तोड़ देती है। यहां पे हरकूबाई साहिब आती है और बहुत अच्छे से संभालती है अहिल्या को हमेशा की तरह, और जो उन्होंने कहानी बताई, जो उन्होंने बात बताई शिव पार्वती की, वो बात सही है। हमने भी अपने कहानियों में, अपने ग्रंथों में ये पढ़ा है कि शिव पार्वती भी कई बार ऐसा होता था कि उनका आपस में झगड़ा हो जाता था। जैसे बचपन में मैंने मेरी मम्मी से ही कहानी सुनी थी कि वो ऊपर से जा रहे थे, कोई बड़ी लंबी कहानी है, बट वहां पर उन्होंने एक बच्चे को देखा और बच्चे के लिए पार्वती का दिल जो था उनका पसीज गया और वो आए और उन्होंने कहा कि इसके बच्चे की मम्मी को जीवन दे दो, कुछ ऐसा ही था कहानी में। मगर शिव शंभू वहां पे उन्होंने कहा नहीं, इसकी इतनी ही उम्र है, इसको और जीवन नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, मगर लड़ाई हो जाती है। तो ये छोटी सी कहानी जो मुझे याद है, इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि ऐसी ही कुछ बात हरकूबाई साहब अहिल्या को समझा रही थी कि आप दोनों सही जा रहे हो, भले की बात कर रहे हो, मगर कभी कभी हो जाता है विचारों में ऐसी चीजें। मगर अहिल्या ने उस बात को पॉजिटिवली लिया, समझा और खुश हो गई कि कोई बात नहीं, पति पत्नी में लड़ाई होती है, हम संभाल लेंगे, और अपने काम पे लग गई। मगर हरकूबाई साहब को अब थोड़ा सा इस बात को लेकर खदशा हुआ कि मैंने दे तो दिया है दिलासा, मगर ये स्थिति संभालेगा कि नहीं संभालेगा ये दिलासा, क्योंकि खंडेराव तो अभी उसी मूड में चल रहा है ना। तो ये जो दिलासा दिया है चाहे झूठा ही सही, मगर ये कुछ देर के लिए अहिल्या को जरूर ठीक रखेगा, उसकी ऊर्जा को जागृत रखेगा। बाकी अहिल्या तो वैसे भी हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और आगे बढ़ती है, और बची कुछ ही कसर जो है वो हरकूबाई साहब और मल्हार सरकार पूरी कर देते हैं, उसका सहारा बनके, उसकी इमोशनल सपोर्ट बनके। क्या कहते हो आप, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।